नांदेड़ के सीनियर सियासतदान मकबूल सलीम ने वंचित बहुजन आघाड़ी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। नांदेड़ में तीसरे मुतबादिल के तौर पर वंचित आघाड़ी सरगर्म है। कांग्रेस और बीजेपी से नाराज सियासतदानों और सामाजिक कारकुनों की वंचित आघाड़ी की जानिब रुगबत बढ़ती जा रही है। नांदेड़ के सीनियर सियासतदान मकबूल सलीम और सीनियर सहाफी अल्ताफ अहमद सानी समेत कई लीडर वंचित आघाड़ी में शामिल हो गए हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मकबूल सलीम ने कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम करार दिया। इन्होंने कहा कि कांग्रेस अब मुसलमानों की जरूरत नहीं रही। वहीं वंचित आघाड़ी के उम्मीदवार यशपाल भिंगे ने मकबूल सलीम का वंचित आघाड़ी में इस्तकबाल करते हुए उनके तजुर्बात और मशवरों से इस्तेफादा करने का आज़म जाहिर किया। सीनियर सहाफी अल्ताफ सानी ने वंचित आघाड़ी को एक सियासी प्लेटफॉर्म के साथ मुल्क की सबसे बड़ी समाजी तंजीम भी करार दिया। आज मैं वंचित आघाड़ी ज्वाइन कर रहा हूं, उसकी वजह यह है कि मैं कांग्रेस से तंग आ चुका हूं। हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस ने अपना चोला बदल लिया है और जो बातें बीजेपी करती थी आज कांग्रेस वही कर रही है। इसलिए ज़रूरी हो गया था कि एक यानी नई दिशा में कदम उठाया जाए। प्रकाश जी अम्बेडकर ने जिन सवालात को कांग्रेस से पूछा उनसे मैं मुत्तफिक था और उस लाइन पर जो यानी उन्होंने काम कर रहे हैं उनसे मुतासिर होकर मैं ये पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस आज उनकी बी टीम बन गई हुई है और आज थर्ड लेवल पर चढ़ रही है वो, तो उन्होंने हमको क्या बीजेपी यानी बी टीम कहते हैं। मकबूल साहब हमारे साथ में आए हैं तो हमारी वैचारिक शक्ति तो बढ़ गई है। इसके साथ में ही मुस्लिम समुदाय में एक विश्वास की भावना भी उनके कारण बढ़ने वाली है। और मैंने पहले ही कहा कि मुझ जैसे राजनीति में जो कदम रखने वाले लोग हैं उनको आशीर्वाद देने के लिए मकबूल साहब हमारे साथ आए हैं, उनका मार्गदर्शन हम लेंगे। आज तक जो राजनीति में उन्होंने अनुभव लिया है उसका फ़ायदा ज़रूर हमको। मैं ये समझता हूँ कि वंचित बहुजन आघाड़ी जो है वो आपको ये पार्टी पॉलिटिकल दिखाई देती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि देश में सबसे बड़ी सामाजिक अगर संगठन कोई है और सामाजिक परिवर्तन के लिए और भारत में एकता और मसावत और भाईचारगी के लिए जो काम कर रही है वो सबसे बड़ा काम है जो ये संगठन ने किया है। वंचित के लिए जो मैंने पहल की है तो मैंने पहले ही कहा कि मैं इससे दूर ही रहना मुनासिब समझ रहा था, लेकिन भिंगे साहब की शख्सियत और मेरे उस्ताद मकबूल सलीम साहब की दिलचस्पी ने मुझे मजबूर किया कि मैं आज मकबूल सलीम साहब के साथ उनके पीछे खड़ा रहूं, क्योंकि मकबूल सलीम साहब का मेरा सियासी साथ गुज़्तर 25 साल से रहा है।